हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा ब्लॉग पर। तो मैंने अभी मैं पर्दे धुलने जा रही थी, तो पर्दे में सोचा कि वीडियो बना लेती हूँ। जैसे मैं धुलती हूँ पर्दों को, तो मैंने क्या किया, इनकी फोल्ड कर लिए हैं पर्दों को और इनको रस्सी से अच्छी तरीके से कवर बांध दूँगी मैं, तो नोट लगा दूँगी। और नोट अच्छे तरीके से लगाने के बाद में, जैसे हमारे पास ओल्ड सॉक्स होती हैं, जैसे पुरानी सॉक्स होती हैं बेकार सॉक्स, तो वही मैं इसको इसके ऊपर कवर करूँगी। तो मैंने पुरानी सॉक्स ले ली है, बच्चों की पुरानी सॉक्स पड़ी हुई थी तो वही सॉक्स ले ली है मैंने। तो अब इसको इसके ऊपर कवर कर देंगे, जिससे कि हमारे छल्ले बेकार नहीं होंगे और बिल्कुल सही रहेंगे और मशीन में अड़ेंगे भी नहीं। और देखिए कितने अच्छे तरीके से आपके पर्दे धुल जाएंगे और आपके पर्दों को नुकसान भी नहीं होगा। तो मैं तो इस तरह से धुलती हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो बना लेती हूँ, आप सबको भी पता चले कि कैसे धुलती हूँ पर्दे। तो उसी के लिए मैंने इस तरह से कवर कर लिया, देखिए सॉक्स से कवर कर दिया, ये ओल्ड सॉक्स थी हमारे पास तो उसी से मैंने कवर कर दिया है। तो अभी मैं लग गई हूँ किचन में, किचन की आज मुझे सफाई करनी है तो उसी की सफाई कर रही हूँ बस अभी। तो ये देखिए ट्यूबलाइट वगैरह होती है तो इस पर वो जम जाती है, जैसे मेरी तो ये गैस के ऊपर ही है बिल्कुल, तो इस पर चिकनाई वगैरह जम जाती है। तो उसी को मैंने सर्फ़ का पानी घोल कर उसमें कपड़ा भिगो कर अच्छी तरीके से और इसको इससे साफ़ किया है। ये पुरानी ट्यूबलाइट लगी हुई है, देखिए रेंट के मकान में जैसे होती है वैसे करवाना पड़ता है। तो बस उसी उस पर जड़ लगा हुआ है सारी, उस पर ट्यूबलाइट पर जो नीचे का वो होता है किसका कवर, उस पर सारी पे जड़ लगा हुआ है। तो कोई बात नहीं, जैसे भी है कोई बात नहीं, हमें तो सब वो करना, हमें तो रहना है। सफाई कर दी है मैंने अच्छी तरीके से और जंगले वगैरह भी साफ़ कर दूँगी और इन पर धूल जमी हुई है तो इन्हें भी मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर दूँगी। तो देखिए अभी मैं निकाल रही हूँ अपने जो नीचे कबर्ड में मैंने बर्तन रखे हुए हैं, तो इसमें बहुत सारे पुराने, मेरे पास पुराने क्या मतलब कि जैसे हम यूज़ नहीं करते और बहुत बर्तन हो जाते हैं जो कभी कभी यूज़ में आते हैं, तो मैं इनको इस कबर्ड में रखती हूँ। तो उसी को मैं निकाल ली है मैंने और मैं पूरी किचन की फुल डीप क्लीनिंग करूँगी। तो इसी के लिए मैंने सारे एक एक कबर्ड को लेकर चलूँगी, सारी को नहीं फैलाऊँगी एक साथ, तो बाद में बर्तन ये धुल दूँगी मैं डब्बे वगैरह, क्योंकि बीच वाली कबर्ड में मेरे डब्बे वगैरह हैं। तो अभी मैं सोचा कि पहले सबसे पहले साइड की लेती हूँ और उसी से मैं सफाई शुरू करती हूँ। तो मैंने साइड में से निकाल लिए हैं पुराने बर्तन अपने जो भी हैं यूज़ करने वाले, जो कभी कभी यूज़ में होते हैं, और ये मेरा जो ये है बास्केट है इसी में मैं रखती हूँ अपने बर्तनों को। तो ये जो बास्केट है इसमें रख दूँगी मैंने सारे बर्तनों को धुलकर। तो मैंने सर्फ का पानी घोल लिया है और उसी में से निकाल लूँगी, क्योंकि बर्तन गंदे तो नहीं है बर्तन, मेरे पास धूल लगी हुई है थोड़ी सी तो वो इससे साफ़ हो जाएगी। तो बस इसी के लिए मैंने सर्फ को घोल लिया है इस टब में और टब में से बस इसी में बर्तन डाल दिए हैं। और जो स्पैचुला वगैरह भी हैं जो मेरे यूज़ में नहीं आते हैं, और बहुत बर्तन है मेरे पास जो मैंने मतलब लिए हुए हैं सारे, मतलब जिस तरीके से इकट्ठे किए हुए हैं शादी के हैं कुछ वैसे मेरे, और कुछ उसके शादी के बाद में जैसे लेते रहते हैं, देखिए जो मेरे पुराने कपड़े होते हैं उसके लिए लेती हूँ मैं, और भी मतलब जैसे धनतेरस वगैरह पे भी लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने बहुत बर्तन किए हुए हैं, बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं और होते ही हैं देखिए। और मेरे हस्बैंड तो बहुत गुस्सा करते हैं, तो उन्हें बहुत सामान कर रखा है, तो जैसे बर्तन के भी 2-3 कट्टे मेरे पास एक्स्ट्रा अलग से भी रखे हुए हैं, तो उन्हीं को मैं मतलब उन्हें तो मैंने बांध के ही अलग रखा हुआ है, उन्हें तो मैं यूज़ ही नहीं करती बिल्कुल भी। कभी कभी मतलब जैसे ज़्यादा ही ज़रूरत हो, बड़ा काम होगा तभी निकलेंगे वो। तो ये तो ऐसे हैं जैसे कोई गेस्ट आ जाए वगैरह तो उन्हीं के लिए, जैसे कभी निकालने पड़ जाते हैं तो उन्हीं के लिए निकाल लेती हूँ बस। तो ये मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इसलिए पास में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि देखिए ऊपर कबड़ से तो एकदम से नहीं उतरेंगे, मान लो मैं अकेली हूँ या कुछ भी हो, ये पास में इसलिए रखे हुए हैं कि आराम से अपना कोई भी आए तो आराम से निकाल लो, आसानी से दिक्कत ना हो। तो बस इसलिए मैंने अभी ये यहाँ पर रखे हुए हैं। तो बस अभी इनको धुल रही हूँ, धुलने के बाद में अच्छे तरीके से मैं फिर इसको साफ़ कर दूँगी, वो सुखा कर रख दूँगी, बाहर धूप में रख दूँगी, थोड़ी देर के लिए सूख जाएंगे तो सूखने के बाद ही मैं इसमें रख दूँगी। तब तक मैं कबड़ वगैरह साफ अंदर से साफ़ कर दूँगी। इनमें नीचे पत्थर लगा हुआ है तो उसे अच्छी तरीके से धुल दूँ सर्फ डाल के और साफ़ हो जाएंगी। और पता नहीं कैसी महक आती है इनमें से, सीलन से की महक आती है कबड़ में से। और सोच रही हूँ कि कपूर की उसकी जो गोलियाँ आती है ना कपड़ों में रखने वाली, वो मैं इसमें रख दूँगी, जिससे कि स्मेल
बैड स्मेल ना आए और उसी की स्मेल आती रहे, तो सोच रही हूँ कि वही रख दूँगी मैं फिर। तो अब देख सफाई करने के बाद में, सूखने के बाद ही रखूँगी, तो बस पहले बर्तन धो, बर्तन धुलने के बाद तो मैं बाहर रख दूँगी, सूखते रहेंगे। फिर किचन के डब्बे भी फोल्डिंग पे, मैं भी फोल्डिंग बिछा दिया है, वहीं पर रख दूँगी, वे भी सूख जाएंगे। और देखिए कि मेरी कढ़ाई भी मैंने कपड़ों से ही ली हुई है, काफ़ी बड़ी कढ़ाई है, और इसमें गाजर का हलवा वगैरह बनाते हैं हम, जैसे भी कुछ बड़ा काम करना हो तो इसमें कर लेते हैं। और बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो उनको मैं कह रही थी कि आप कपड़े, दोनों बच्चे कपड़े उतार लो दोनों और खाना खा लो, मैंने बना के रखा हुआ है खाना, और बच्चे खाना खा लेंगे, क्योंकि अभी मैं तो खाऊंगी नहीं, देखिए अभी मैं तो किचन के काम में लगी हूँ और टाइम लग जाएगा मुझे, तो मैं तो अभी सफाई में लगी हुई हूँ, और सफाई करने के बाद ही देखिए खाने पीने को मन करेगा नहाना धो के। तो उस समय मैंने दो बर्तनों में पानी ट्रांसफ़र कर लिया है, और जिससे कि अब एक मिनट साफ़ करके अच्छी तरह धुल दो, फिर साफ पानी में धुल के इनको रख दूँगी। तो इसी तरह से सफाई सारी हो जाएगी मेरी, और बस इनको मैं धुल के रख दूँगी। तो ये सारा काम निपटाने के बाद में मेरे डब्बे वगैरह सूख जाएंगे, तो उसके बाद में मुझे हमारे जो सारा सामान ख़त्म हो रहा था किचन का, तो मैंने इसलिए नहीं लाई थी, जिससे कि मेरे धुलने के बाद सफाई हो जाएगी किचन की, तो उसके बाद मैं उनको डालू लेके आऊँगी, तभी डाल दूँगी। तो वो सामान तो आ गया था दिवाली उसका, किचन का दालें वगैरह आ गई थी, लेकिन मैंने डाला नहीं था, जिससे कि अभी कि मैं कहा चलो डिब्बे धुल के और सूख जाएंगे तो उसी के बाद डालेंगे। तो बस अभी देखिए सफाई में लगी हुई हूँ, बर्तन वगैरह कितने हो जाते हैं, बस जिस टाइम हम सफाई करते हैं वैसे तो कम दिखते हैं हमारे पास बर्तन वगैरह, कुछ भी सामान हो वो कम ही दिखता है, लेकिन जब हम सब उस काम को करने लगते हैं ना, जब दिखता है कि कितने बर्तन हैं और कितना सामान है हमारे पास में, तो तब लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा सामान हो रहा है। तो ये सारे सामान अभी मैं सारे धुल के बर्तन और इनको रख दूँगी, तो बर्तन धुल जाएंगे, बस मेरा काम हो जाएगा, फिर मैं किचन के डिब्बे में लगूंगी। तो किचन के डिब्बे की सफाई करने के बाद में देखिए मेरे जो पुराने जैम वगैरह की बोतल थी, तो उसी में मैंने मसाला वगैरह रखा हुआ था, तब की बार मैंने सोचा कि चलो नए डिब्बे लेके आती हूँ, तो ये नए डिब्बे लेके आई थी मैं, तो इसी में मसाला मैं वो कर रही हूँ, ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और ये जैम वगैरह की बोतल बनाई हुई थी पहले मैंने, तो अभी उन्हें मैंने हटा दिया है और मैंने नए डिब्बे लगा लिए हैं। तो बस अभी देखिए मैंने डब्बे मेरे सूख चुके थे और मैंने किचन भी नीचे से धुल दी थी, सारा सामान वो सारा वो कर दिया था, तो फिर उसके बाद में ये जो दालें वगैरह मैं लाई के आई थी, मैंने डाली नहीं थी, तो अभी मैं दालें वगैरह इसमें डाल दूँगी और बस ये सारा हो जाएगा। और सारी दालें वगैरह राजमा जो भी लेके आई थी सामान, घर का सारा सामान ही ख़त्म हो रहा था, तो मैं ले आई थी और डाला नहीं था, बस डाल दूँगी, मैंने कहा चलो डब्बा धुल जाएंगे तो उसके बाद ही डाल दूँगी। तो बस अभी डब्बे वगैरह धुल गए मेरे, सूख गए, और मैंने सोचा चलो अभी इसके साथ साथ भी इसे भी निपटा के रख देती हूँ, सारा काम ख़त्म हो जाएगा फिर, तो सारे डब्बे साथ ही लग जाएंगे, खाली डिब्बे फिर पड़े रहेंगे, फिर उनको डालना था, लगाना नहीं था, खाली डिब्बे लगने नहीं थे, तो फिर साथ साथ उनका सामान डाल के ही लगाती हूँ, फिर वो हो जाएगा। तो अभी देखिए मैं ये दालें जो मैं सारी दालें थी उसे मैं मिक्स एक डिब्बे में मिक्स कर रही हूँ, तो कभी कभी मिक्स दाल खाने का भी मन करता है, तो मैं इसमें मिक्स दाल करके रख दूँगी, जिससे कि हम मिक्स दाल भी बना सकें कभी कभी। तो बस मैं वही मिक्स कर रही हूँ, और बस ये सारा दालें मैंने डाल दी हैं डब्बों में। अभी बस मेरे दाले वाले डल जाएंगे और सारा काम मेरा काम हो जाएगा ख़त्म, और फिर मैं नहा धो लूँगी और उसके बाद मैं खाना पीना खाऊँगी, और शाम का भी खाना बनाना है अभी मुझे, तो उसका भी बनाऊँगी शाम का भी खाना, तो थक जाऊँगी, तो देखिए मैं थोड़ा सोच रही हूँ कुछ हल्का सा ही बना लूँगी, कुछ दाल वगैरह बना लूँगी या तहरी वगैरह बना लूँगी, देखूँगी उसका, और बस ये सब मेरा काम निमट जाएगा अब। और बस अब अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।